It's all right. Hush. सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? करो तो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो आज का क्या कंटेंट होने वाला है वो तो गाइस आप लोग ऑलरेडी थंबनेल देख के पता चल ही गया है। आज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइस। सो एवरीवन, आप लोगों को पता ही है कि इंडियन मार्केट पे बजाज कंपनी की तरफ से फाइनली और एक अपडेट मिल चुका है न्यू बजाज पल्सर N160 के ऊपर। सो गाइस, इस मॉडल को मैंने ऑलरेडी राइड रिव्यू, माइलेज टेस्ट एंड नॉर्मल सी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उस पर बहुत ही ज्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम है या नहीं, DTS टेक्नोलॉजी इस बाइक में आप लोगों को मिलता है या नहीं, थर्मल नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक डिटेल से वीडियो अपलोड कर दूं, जिसपे गाइस मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करने वाला हूं। मतलब इस बाइक को जब मैं राइड कर रहा था, क्या सारा पॉजिटिव चीज मुझे फील आया एंड क्या सारा नेगेटिव चीज मुझे फील आया। अगर आप लोग इस बाइक को बाय करना चाहते हो तो इससे पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस बाइक में जो प्राइस आप लोग पे कर रहे हो वो वर्थ इट है या नहीं। आप लोग जिस पर्पस के लिए बाइक बाय करना चाहते हो वो सारा चीज आप लोगों को मिल रहा है या नहीं। सो नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे एंड पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी मशीन गाइस 100% परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहता है एंड जो सारा पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ वो गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब मैं इस बाइक को रिव्यू किया, राइड किया, माइलेज टेस्ट किया, जो सारा फील मुझे आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स वही मैं गाइस आप लोगों से शेयर करूंगा। सो अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल गाइस अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो चलो गाइस पहले पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है गाइस इस बाइक का डिजाइन एंड लुक्स। इंडियन मार्केट पे N160 का जो ये लुक है ना, बहुत सारा कस्टमर पसंद करता है एंड ये चीज मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि न्यू मॉडल पे एकदम ही डिजाइन पे छेड़खानी नहीं किया है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम मिलता है, लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो टैंक के ऊपर न्यू N160 का आप लोग ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, पैनल वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब एरोडायनामिक डिजाइन आप लोग प्रोवाइड करता है मस्कुलर फ्यूल टैंक के साथ एंड जो फ्रंट मडगार्ड है ना उसका लेंथ थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एंड जो रियर पैनल है उसके ऊपर गाइस N160 का पहले की तरह ही बैजिंग देखने को मिल जाएगा। सो लुक्स एंड डिजाइन पे कुछ भी कंपनी ने चेंजेस नहीं किया, ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मशीन के लिए, वो है गाइस ब्रेकिंग। सो इस वाले मॉडल पे आप लोगों को डुअल चैनल ABS प्रोवाइड करता है, फ्रंट के साइड पे 6 mm का लार्ज डिस्क ग्रामिया का ब्रेक कैलिपर के साथ देखने को मिलता है एंड रियर के साइड पे प्रोवाइड करता है 230 mm का डिस्क। पैरेलल डिस्क गाइस नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था, मैंने ऑलरेडी राइड रिव्यू वाला वीडियो पे इस बाइक के ऊपर ब्रेक टेस्ट भी कर चुका हूँ। सो फ्रंट ब्रेक का बाइट गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जब आप लोग हाई स्पीड पे पैनिक ब्रेकिंग करोगे ना, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मतलब मुझे लगता है बाइब्रेक कैलिपर से ग्रामिया का जो ब्रेक कैलिपर है ना वो ज्यादा इफेक्टिव है एंड ज्यादा गाइस आप लोग बाइट प्रोवाइड करता है। इस बाइक का मुझे ब्रेकिंग भी बढ़िया लगा। सो थर्ड जो पॉइंट है, बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहा था कि न्यू जो बजाज पल्सर N160 है इस पे आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सो आप लोगों को पता ही है फाइनली आप लोगों को N160 में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड करता है, नेगेटिव डिस्प्ले है जिसपे गाइस आप लोगों को बहुत सारा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, देन साइज चेन वार्निंग, कितना किलोमीटर के बाद आप लोगों को सर्विस करवाना पड़ेगा, रियल टाइम माइलेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर, हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन न्यू मॉडल पे फाइनली आप लोग प्रोवाइड कर रहा है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। USD मॉडल पे गाइस आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेगा। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस नया इंस्ट्रूमेंट कौन सा, जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में बताना। सो नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, ये अपडेट के वजह से बाइक का जो लुक्स है ना और भी ज्यादा इनहेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। वो है गाइस फ्रंट के साइड पे अभी आप लोग प्रोवाइड करते हैं गोल्डन कलर टच के साथ अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जिसकी वजह से लुक्स बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो रहा है, प्रीमियम फील आप लोगों को मिलेगा। फुल्ली ब्लैक कलर के ऊपर जब गोल्डन कलर टच का USD फॉक है ना, पूरा लुक्स को ही चेंज कर दे रहा है एंड जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था, खराब सी रोड पर भी टेस्ट किया, सो इस बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है पहले वाला मॉडल का भी सॉफ्ट था, लेकिन USD ना थोड़ा अलग मैकेनिज्म पे काम करता है, उसके लिए आप लोगों को हैंडल पे उतना ज्यादा जार्क वगैरह फील नहीं आएगा एंड सॉफ्ट सस्पेंशन देखने को मिलता है फ्रंट के साइड पर। एंड इस बाइक का जो सीट है वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब सीट कुशनिंग सॉफ्ट मिलता है, इसके वजह से अगर आप लोग बहुत देर से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खराब सी रोड पे राइड करोगे, अच्छा खासा कंफर्ट आप लोगों को मिलेगा इस बाइक से। सो गाइस इसके बाद का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस इस बाइक का हार्ट के ऊपर मतलब इंजिन। इंजिन पे गाइस अभी आप लोगों को DTS टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है, मतलब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी नहीं है। देन पहले वाला मॉडल पे आप लोगों को मतलब ओल्ड मॉडल पे ना ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता था, लेकिन न्यू मॉडल पे वो चीज को भी हटा दिया है, अभी आप लोगों को सिर्फ
एयर कूल इंजन मिलता है इसके ऊपर भी गाइस बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। सो मैंने गाइस आप लोगों को क्लियर कर दिया। लेकिन अगर राइड क्वालिटी की बात करूं, मैं गाइस इनिशियल टॉर्क टेस्ट किया, हाई स्पीड पर भी राइड किया, लेकिन एकदम ही पावर पे ड्रॉप लैग वगैरह नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि ओल्ड मॉडल से ना इस मॉडल पे स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। क्लच गाइस बटरी स्मूथ है, मतलब आप लोग एक फिंगर से भी कर सकते हो, स्लीपर क्लच की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा सॉफ्ट क्लच आप लोग प्रोवाइड कर रहा है। गियर शिफ्टिंग गाइस मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं, उतना सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन इनिशियल टॉर्क एंड इनिशियल पंच जो है ना वो अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गाइस आप लोग इस वाले मॉडल पे ना जो एग्जॉस्ट नोट है थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। एंड आप लोग पता ही है कि इस वाले मॉडल पे आप लोगों को अंडर बेली एग्जॉस्ट प्रोवाइड करता है। सो पहले गाइस आप लोग एग्जॉस्ट नोट सुन लो। सो ये जो है गाइस आइडल साउंड है, चलो अभी रिफ करके देखते हैं। So, आप लोगों को ऐसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन बेस गाइस आप लोग पहले की तरह ही मिलता है, लेकिन स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट का साउंड थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। सो गाइस 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो हर एक कस्टमर का क्वेरी रहता है, वो है गाइस माइलेज देता कितना ही है भाई। सो ऑलरेडी मैंने गाइस जो न्यू मॉडल है इसके ऊपर एक माइलेज टेस्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं गाइस आप लोगों को इस वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ, अप्रोक्स गाइस 40 से लेकर 45 तक माइलेज मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग FI मिलता है, ECU वगैरह चेंज हो चुका है, फ्यूल पंप वगैरह चेंज हो चुका है, क्योंकि आप लोग इस बाइक को अभी 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी राइड कर पाओगे। फ्लेक्स फ्यूल जो है ये मॉडल सपोर्ट करता है। एंड आप लोग टैंक के ऊपर देखने को मिलता है चार्जर, मतलब बहुत सारा कस्टमर बाइक या स्कूटी बाई करने के बाद आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करता है, लेकिन इस मॉडल पे ना आप लोग कंपनी फिटेड चार्जर प्रोवाइड करता है। ऑन द गो आप लोग USB केबल कनेक्ट करने के बाद कोई भी चीज को जो है चार्ज वगैरह कर सकते हो, ये भी एक गाइस पॉजिटिव पॉइंट है। सो नेक्स्ट जो कमेंट आ रहा था वो है गाइस वाइब्रेशन इस बाइक पर है या नहीं। देखो 160cc का बाइक है, सो अगर आप लोग रेड लिमिट टच करोगे ना, मतलब 7000 या 8000 RPM जब टच करोगे, उस टाइम पे गाइस आप लोगों को फुट पेग्स, टैंक पे एंड हैंडल बार पे वाइब्रेशन फील आएगा। लेकिन गाइस पल्सर सीरीज पे जो 150 20 सिंगल डिस्क पे जैसे पैनल से वाइब्रेशन फील आता है, देन पैनल गैप वगैरह देखने को मिलेगा, वो सारा चीज इस वाले मॉडल पर नहीं है। उतना ज्यादा गाइस आप लोगों को लो RPM पे वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आएगा, पैनल से साउंड वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बाइक का फिट एंड फिनिश बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है। एंड आप लोगों को अभी फ्रंट के साइड पे एंड रियर के साइड पे LED इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। सो ओल्ड जो मॉडल था ना उस पर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलता था बल्ब इंडिकेटर के ऊपर, लेकिन LED पे वो सारा दिक्कत आप लोगों को फेस करना नहीं पड़ेगा। एंड स्विच असेंबली गाइस पूरा चेंज हो चुका है, जिसके लिए लुक्स भी इनहेंस हो रहा है। एंड आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ना जो लेफ्ट साइड पे M बटन है उससे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब टॉगल कर पाओगे। एंड राइट साइड पे गाइस N160 पे आप लोग हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए भी गाइस बटन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो गाइस राइडिंग पोजीशन। सो इस वाले मॉडल पे आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्लिप ऑन की तरह ही है, मतलब कॉम्पैक्ट हैंडल आप लोगों को मिलेगा सिंगल रॉड के ऊपर, जो फुट पेग से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, इसकी वजह से आप लोगों को 10 या 20% जो है ना सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है। इसकी वजह से आप लोग जब इस बाइक को राइड करोगे थोड़ा बहुत आप लोगों को स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड कर पाएगा। एंड हैंडलिंग गाइस इतना ज्यादा लाइट है, अगर आप लोग डेली कम्यूट करते हो, हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर भी अगर आप लोग राइड करोगे कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आएगा, इजिली गाइस आप लोग फिल्टर करके निकल सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैंडलिंग मिलता है। सो सबसे ज्यादा जो मुझे इस बाइक में बढ़िया लगता है वो है गाइस ब्रेकिंग साउंड एंड इनिशियल टॉर्क, मतलब जो पावर आप लोगों को प्रोवाइड करता है। क्लच भी गाइस बहुत है बढ़िया है। सो ये था गाइस कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात, जो सारा चीज मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो आप लोगों से शेयर कर दिया। अभी बात करते हैं इस बाइक का कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो सारा चीज मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। एंड और एक बार मैं गाइस ये चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो सारा पॉइंट से बताने वाला वो गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप लोगों को और भी कुछ लगता है इस बाइक के बारे में नेगेटिव, जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जो सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ हो सकता है आप लोगों का जो थॉट है उससे मैच कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे फील आया वो मैं गाइस आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो फर्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे वो है गाइस इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो डिजिट है ना वो छोटा है, मतलब जब आप बाइक को राइड करोगे एक बार में अगर देखना चाहते हो ना देख नहीं पाओगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, फिर जाकर समझ पाओगे कितना टाइम हो रहा है, कितना गियर पे है, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी किलोमीटर है, कितना रियल टाइम माइलेज है, क्योंकि नेगेटिव डिस्प्ले है एंड बहुत सारा फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसके वजह से जो डिजिट वगैरह है ना बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड
अगर आप लोग इस बाइक को बहुत ही ज्यादा धूप पे राइड करोगे ना, उस टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम है, विजिबिलिटी उस टाइम पे आप लोगों को बेहतर देखने को नहीं मिलता। ये चीज है गाइस फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। तो सेकंड अगर नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूं वो है गाइस इस बाइक का ब्रेकिंग। फ्रंट ब्रेक गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलता है, मतलब पंच जो है ना पैनिक ब्रेकिंग करने के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करेगा, लेकिन रियर ब्रेक उतना ज्यादा खास कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा खराब ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रंट ब्रेक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रियर ब्रेक और थोड़ा अगर इम्प्रूव होता और भी ज्यादा गाइस राइडर को कॉन्फिडेंस मिलता, जो फील मुझे नहीं आया रियर ब्रेक से। ये गाइस सेकंड नेगेटिव पॉइंट। अगर थर्ड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूं, जब मैं इस बाइक को हाई स्पीड, मतलब मान लो अगर आप लोग 60 से लेकर 65 के स्पीड पर राइड कर रहे हो, उस टाइम पर गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, बाइक जो स्टेबल है, आप लोग कॉन्फिडेंस फील आएगा, लेकिन जब आप लोग इस बाइक को 75 या 70 क्रॉस करते हो ना, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो जाता है हैंडल, एंड आप लोगों को फील आएगा बाइक स्टेबल नहीं है, रोड को अच्छी तरीके से ग्रिप करके नहीं भाग रहा है, जो गाइस आप लोगों को N250 पे फील नहीं आएगा। हाई स्पीड पर भी गाइस N250 जो है ना रोड को अच्छी तरीके से ग्रिप करके फिर भागता है, क्योंकि इस बाइक पे आप लोगों को पता ही है ओल्ड जो मॉडल है ना वो 154 केजी का देखने को मिलता था, लेकिन न्यू मॉडल जो है 2 केजी लाइटर हो चुका है। अभी न्यू मॉडल आप लोगों को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा 152 केजी, मतलब 2 केजी जो है कम हो चुका है, इसके वजह से भी हो सकता है, एंड बाइक जो है ना उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है हाई स्पीड पर। और आप लोग इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहते हो ना, उस टाइम पे अगर आप लोग 80 पे क्रूज करोगे सो बाइक जो है ना हवाओं से बातें करेगा, मतलब विंड ब्लास्ट उतना ज्यादा झेल नहीं पाएगा, एंड विंड ब्लास्ट के साथ साथ बाइक झूमेगा, ऐसा है। रोड स्टेबिलिटी हाई स्पीड पर इस बाइक का अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करूं जो बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहा था वो गाइस हीटिंग। देखो मैंने जब राइड कर रहा था उस टाइम पे कोलकाता में गाइस 42-41 डिग्री टेम्परेचर था, सो इस पर भी एयर कूल इंजन है, सो मुझे ना उतना ज्यादा हीटिंग इशू फील नहीं आया, मतलब पैरों पे उतना ज्यादा हीटिंग इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने आप लोग अगर वीडियो चेक करते हो सो आप लोग पता चल जाएगा मैंने हाई स्पीड पर राइड किया, रेस्ट राइडिंग किया, देन लो इकोनॉमी जोन पर भी राइड किया, माइलेज टेस्ट किया, तो बहुत सारा किलोमीटर मैं ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ, लेकिन उतना ज्यादा मुझे हीटिंग इशू फील नहीं आया। सो इसके बाद अगर नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ वो है गाइस इस बाइक का रियर सस्पेंशन। रियर पे गाइस आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं, जो गाइस आप लोग मल्टीपल एडजस्ट कर सकते हो, फिर भी मैंने गाइस जब थोड़ा सा खराब रोड टूटे फूटे रोड पे राइड कर रहा था, जैसे गाइस आप लोगों को फ्रंट सस्पेंशन प्रोवाइड करता है ना, मतलब कंफर्ट, वैसा रियर सस्पेंशन नहीं है, रियर सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड मिलता है, अगर और थोड़ा सॉफ्ट होता और भी ज्यादा बढ़िया होता, और भी ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सकता था राइडर को। सो नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इस चेन, मतलब इस वाले मॉडल पे आप लोगों को ओपन चेन सेटअप देखने को मिलता है, सो थोड़ा बहुत आप लोगों को चेन नॉइज देखने को मिलेगा, एंड 500 किलोमीटर के बाद गाइस आप लोगों को चेन क्लीन एंड चेन लुक करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं करते हो सो उस टाइम पे और भी ज्यादा चेन नॉइज देखने को मिलेगा। सो इसके बाद जो पॉइंट है वो मेरा गाइस पर्सनल ओपिनियन है, वो है गाइस इस बाइक पे आप लोगों को डुअल स्टैंड प्रोवाइड करता है एंड साइड स्टैंड प्रोवाइड करता है, लेकिन आप लोगों को इस वाले मॉडल पर लेडीज फुटरेस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ साड़ी गेट प्रोवाइड करेगा, अगर आप लोग थोड़ा घर के बुजुर्ग लोग या मम्मी को बिठा के राइड करना चाहते हो ना, उस टाइम पे गाइस दिक्कत आएगा, ये थोड़ा स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर आता है, फिर भी अगर साड़ी गेट के साथ साथ लेडीज फुटरेस्ट प्रोवाइड कर देता ना और भी ज्यादा बढ़िया होता। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है वो है गाइस इस बाइक का मडगार्ड। आप लोग जैसे रियर लुक को देख ही पा रहे हो, रियर पे ना छोटा सा टायर हगर प्रोवाइड करता है, अंदर के साइड पे छोटा सा एक मडगार्ड प्रोवाइड करता है, जब लोग इस बाइक को थोड़ा सा रेनी सीजन पे राइड करोगे या कीचड़ भरे रोड पे राइड करोगे ना, उस टाइम पे जो पिलियन राइडर है उसका पैर पे कीचड़ आता है, टी शर्ट पर भी अगर कीचड़ आ जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा हाई स्पीड पे राइड करते हो, सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग इस बाइक को बाइक करते हो, सो रेनी सीजन पे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। सो नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है वो है गाइस इस बाइक के इंजन पे तो गाइस बहुत ज्यादा बदलाव मिलता है आप लोगों को, जैसे DTS टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंगल स्पार्क देखने को मिलेगा, देन गाइस ऑयल कूलिंग सिस्टम को हटा दिया है, सिर्फ गाइस एयर कूल मिलता है, ये सारा चीज हो सकता है बजाज के जो इंजीनियर से उन लोगों को लगा कि ये सब चीज का जरूरत नहीं है, इसके लिए हटा दिया है, फिर भी इस वाले मॉडल पे ना किक स्टार्ट ऑप्शन होना चाहिए था, जो गाइस आप लोगों को बजाज पल्सर 150 प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर किसी टाइम पे बैटरी डेड हो जाए ना, उस टाइम पे राइडर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाला है, और किक स्टार्ट होता उस टाइम पे बहुत हेल्प हो जाता है, मतलब बैटरी अगर डेड भी हो जाए ना आप लोग बाइक को स्टार्ट करके घर तक आ सकते हो या सर्विस सेंटर तक ले जा सकते हो, लेकिन इस वाले मॉडल पे आप लोग किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो लास्ट जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो है गाइस इस बाइक का प्राइसिंग। अगर आप लोग इस बाइक को भी बाय करना चाहते हो, इन कोलकाता ऑन रोड प्राइस है 1,71,970 रुपीस, लेकिन जो ओल्ड मॉडल है ना उसका ऑन रोड प्राइस था 1,59,000। सो प्राइसिंग पे आप लोग समझ ही सकते हो बहुत ही ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो चुका है,
एंड अगर आप लोग और थोड़ा कुछ प्राइस बढ़ते हो ना, मतलब इन कोलकाता बजाज पल्सर N250 का ऑनरोड प्राइस है 1,87,000 अप्रोक्स। सो उस पर गाइस आप लोग पावर ज्यादा मिलेगा लेकिन माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, रोड स्टेबिलिटी बढ़िया है एंड बाइकर साउंड है ना बहुत ही ज्यादा बेस प्रोवाइड करेगा बीआई, क्योंकि उसका डुअल बैरल एग्जॉस्ट प्रोवाइड करता है। लुक्स ऑलमोस्ट सेम है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी गाइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा न्यू मॉडल पर। सो प्राइसिंग मुझे थोड़ा इस बाइक का ज्यादा लगा, मतलब फीचर्स भी अपडेट किया है लेकिन ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल का प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, जो सारा चीज मुझे नेगेटिव लगा एंड जो सारा चीज पॉजिटिव लगा वो हर एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। एंड अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप लोगों को इस बाइक के ऊपर और भी कुछ नेगेटिव पॉइंट लगते हैं जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।